हेलो एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी चैप्टर 12 ऑफ क्लास 6। इससे पहले हम क्लास 6 के 11 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं साइंस के। ठीक, तो इसे देखकर आपको क्या समझ आ रहा है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? या तो हम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, या इलेक्ट्रिकल स्विचेस के बारे में पढ़ना है, या हमें इलेक्ट्रिक सेल के बारे में पढ़ना है, ठीक है, या हमें कंप्लीट सर्किट के बारे में पढ़ना है। इन सारी फिगर्स को देखकर हमें यही समझ में आ रहा होगा, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी, इवन प्रोबेबली मैं ये मान सकती हूँ कि सबने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में सुना ही होगा। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था लाइट के बारे में, ठीक है। लाइट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, बट जब हमने बल्ब को डिस्कस किया था तो हमने क्या देखा था कि उन्हें एक सोर्स की नीड पड़ती है। वो क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी होती है तभी तो क्या है, बल्ब ग्लो करता है, ठीक है। तो अब उसमें हमने लाइट को स्टडी कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ आ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक करंट टू आ बॉडी फॉर हीटिंग, ठीक है, लाइटिंग एक्सेट्रा, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक बल्ब में देखा, ठीक है। बेसिकली ये एनर्जी का सोर्स है, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब हम डे टू डे लाइफ में देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने पर्पजेज़ में यूज़ होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टूडेज लाइफ, ठीक है। हम बिना इलेक्ट्रिसिटी के अपनी लाइफ देख नहीं सकते, ठीक है। फ्रॉम स्टार्टिंग टू, अगर हम ब्रशेस की भी बात करें तो आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम बात करें तो वो भी वहाँ से लेकर बिल्कुल कितने सारे अप्लायंसेस, इवन जो हम फ़ोन यूज़ करते हैं इसको भी चार्जिंग की नीड पड़ती है, ठीक है। वो भी हमें कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रॉम व्हीकल्स, ठीक है, और लाइटिंग, तो ये सब कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, फ्रॉम बेसिक टू बेसिक एंड फ्रॉम एडवांस टू एडवांस नीड, ठीक है, वो हमारी किससे पूरी हो रही है? इलेक्ट्रिसिटी से। तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बट हम इसको स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये सिक्स क्लास के एनसीईआरटी है, बट जैसे जैसे हम ट्वेल्थ के एनसीईआरटी में इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ेंगे तो वो क्या होगा, वो हाई लेवल का होगा। तो आज हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, और बेसिक से हम अपने आसपास क्या देखते हैं उससे शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को किस फॉर्म में देखते हैं, जब हम हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ नथिंग बट इट इज़ अ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है, चार्ज फ्लो करते हैं, यही होती है इलेक्ट्रिसिटी। बट अभी हम इस लेवल पर नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सिक्स क्लास के लेवल पर इसको स्टडी करेंगे, राइट? तो सबसे पहले है ना, हम कुछ एडिशनल नॉलेज के साथ इसको पढ़ते हैं। तो हमें ज़्यादा एडिशनल नॉलेज में नहीं जाना है, बट सिर्फ इतना पढ़ना है कि जैसे कि मैं बात करूँ, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है? माइकल फैराडे, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिसिटी इज़ डिस्कवर्ड बाय बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब ये दोनों कैसे डिफरेंट है ये भी हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे, बट आप इतना इसको देख सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हम स्टडी करेंगे लाइन बाय लाइन थ्रू एनसीईआरटी। तो चैप्टर 12 एनसीईआरटी इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, हमने एक क्विक ओवरव्यू तो ले लिया है चैप्टर का, बट अब हमें डिटेल में स्टडी करनी है, ठीक। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पजेज टू मेक आवर टास्क ईजियर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक, ठीक है। डेली स्टार्टिंग सुबह से लेकर नाइट तक, ठीक है। नाइट में भी हमें क्या होती है, सनलाइट तो मिलती नहीं, तब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो विदाउट सनलाइट भी, विदाउट लाइट के भी, जो हमारी वर्किंग कभी रुकती नहीं है, ठीक है, तो ये सब किससे पॉसिबल हो पाया है? इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। चाहे मोटर के थ्रू हमें पानी ऊपर चढ़ाना हो, ठीक है, या वेल्स से, वेल मतलब कुएं, कुएं से पानी निकालना हो, तो ये सारी जो चीज़ें हैं किसके थ्रू पॉसिबल हो पाई हैं? अल्टरनेटिव्स हैं इन चीज़ों के, बट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस के बारे में पढ़ेंगे हम। वट आर अदर पर्पजेज़ फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी, लिस्ट सम ऑफ दैम इन योर नोटबुक। और किन किन पर्पजेज़ के लिए, मतलब और हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, ठीक है, चार्जिंग, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस कितने सारे हैं, फ्रिज, मशीन, तो ये सब कुछ कहाँ से ऑपरेट होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू।
ठीक है, डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? लाइटिंग, एक होता है लाइटनिंग और एक होता है लाइटिंग, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इफ़ यू नो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, वैसे हम तो इसको पढ़ेंगे ही। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, ठीक है। लाइट के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में डिटेल के अंदर, ठीक है। रोड्स, ऑफिसेस, तो सब जगह आपने लाइट्स को देखा होगा, वो किससे पॉसिबल हो पाया है? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इवन आफ्टर सनसेट दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, ठीक है। तो नाइट के टाइम पे लाइट के जितने भी काम होते हैं वो किसके थ्रू पॉसिबल हो पाए हैं? इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी, तो हमें कहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? पावर स्टेशन से। इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है? थर्मल पावर प्लांट हो गया, जैसे कि हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, ठीक है, या फिर विंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब हम अभी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम अब सिर्फ सिंपल बेसिक यूजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। क्या सबको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडेड है? क्या सबको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? नहीं, आपने बहुत सारी जगह पर देखा होगा जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। इन सच सिचुएशन आ टॉर्च इज समटाइम्स यूज फॉर द प्रोवाइडिंग लाइट, तो उस टाइम पर हम टॉर्च यूज़ करते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कट हो जाती है तो भी हम किसका यूज़ करते हैं? टॉर्च का। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप। अब टॉर्च के पास भी एक बल्ब होता है। अब ये बल्ब इलेक्ट्रिक बल्ब से कैसे डिफरेंट है ये भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे, ठीक है। अदरवाइज तो इलेक्ट्रिक बल्ब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो जाता। व्हाट इट इज स्विच्ड ऑन, व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन, ठीक है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम, अब टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलती है? हमने देखा कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब है उसको इलेक्ट्रिसिटी मिली, ठीक है, पावर स्टेशन से जो इलेक्ट्रिसिटी आती है डायरेक्ट स्विच के उससे उसको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। अब जो टॉर्च है वो किसी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, आपने देखा होगा कभी भी आप उसका स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो टॉर्च को कैसे इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? तो वो मिलती है इलेक्ट्रिक सेल के थ्रू, ठीक है। तो हमें अब इलेक्ट्रिक सेल को डिटेल के अंदर पढ़ना है, ठीक है। जो सेल का सिंबल होता है वो क्या होता है? ये दिस इज सिंबल फॉर सेल, ठीक है। अब ये सेल का सिंबल है, जब बहुत सारे सेल जुड़े होते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं? बैटरी, ठीक है। बैटरी सिंपली विच कंटेन्स मोर देन वन सेल, ठीक है, तो हम उसको क्या बोल देते हैं? बैटरी। अब इलेक्ट्रिक सेल की वर्किंग कैसे होती है, कैसा ये दिखता है, ये सारी चीज़ें हमें अभी स्टडी करनी है और कैसे ये वर्क करता है, ओके। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल, तो टॉर्च में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक सेल से। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज इन अलार्म क्लॉक्स, रिस्ट वॉचेस, ट्रांजिस्टर रेडियोज, कैमरास एंड मैनी अदर डिवाइसेस। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इलेक्ट्रिक सेल्स देखे होंगे और डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस में, जैसे हम रिमोट की बात करते हैं, ठीक है, क्लॉक्स की बात करते हैं, तो इन सब में आपने डिफरेंट टाइप्स के सेल ऑब्जर्व किया होगा कॉमनली, ठीक है। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट द इलेक्ट्रिक सेल, बट आपने केयरफुली उनको देखा नहीं होगा। यू माइट हैव नोटिस्ड दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर साइड, ठीक है। आप कभी भी सेल को देखेंगे तो आपको ऐसा वो मिलेगा समथिंग, ठीक है। तो एक साइड तो मेटल की कैप होगी, एक साइड मेटल की डिस्क होगी, ठीक है। डिड यू नोटिस जो पॉजिटिव साइन है, नेगेटिव साइन आपने उसके ऊपर ऑब्जर्व किया होगा, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ओके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मेटल कैप है इज द पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल दिख भी रहा होगा, तो ये मेटल की कैप है, अलग से ये डिफरेंशिएट हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है एंड जो मेटल डिस्क है, जो ये वाला है मेटल डिस्क, ये है नेगेटिव टर्मिनल्स, अ पॉजिटिव टर्मिनल एंड अ नेगेटिव टर्मिनल, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर दो टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट, मतलब केमिकल एनर्जी किस में चेंज होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो एनर्जी के बारे में हमें ये तो पता है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी होती है कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। तो बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर,
राइट, दिस इज सो मच इम्पोर्टेंट टू पुट करेक्टली सेल्स इन द रिमोट और अदर डिवाइसेस. ठीक है, तो जब हम किसी सेल को किसी डिवाइस के अंदर डालते हैं तो उसका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल सही जगह पर हो, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सर्किट के कंप्लीट होने के लिए, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि सर्किट होता क्या है. ठीक है, व्हेन द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स. आपने देखा होगा ना सेल डेड कैसे होते हैं. ठीक है, रिमोट काम नहीं कर रहा है, ठीक है, वॉच काम नहीं कर रही है, एक जगह पर रुक गई है. क्यों? क्योंकि उसके जो इलेक्ट्रिक सेल का जो केमिकल है वो कम्प्लीटली यूज्ड अप हो चुका है, उसके बाद वो काम कैसे करेंगे. जब केमिकल ही नहीं है तो एनर्जी कैसे फॉर्म होगी. ठीक है, एज यू नो इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के अंदर, बट इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी है. इसको प्रॉपरली हैंडल करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स. ये आपको साइन दिख रहा होगा, ये डेंजर साइन होता है. राइट, इलेक्ट्रिक सब स्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस इट इज़ अ वॉर्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली. इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है. केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस कैन कोज सीवियर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ. अभी रिसेंट में एक न्यूज़ आई थी, कंस्ट्रक्शन साइट पर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 10-15 लोगों की जान गई. ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस भी होती है. हैंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स. तो आपको ऐसे बिल्कुल ही ऑल्सो रिमेंबर दैट कि जो इलेक्ट्रिसिटी है जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस. ठीक, यूज ओनली इलेक्ट्रिकल सेल्स फॉर द एक्टिविटीज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी. जब आपको कोई भी एक्टिविटी करनी होती है, डायरेक्ट सोर्स इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं करना, यू हैव टू टेक इलेक्ट्रिकल सेल. तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, ये जो फिलामेंट दिख रहा होगा और ये टर्मिनल्स दिख रहे हैं. तो ये जो फिगर है क्या बताती है, टॉर्च बल्ब को दिखा रही है. इतने स्मॉल टॉर्च बल्ब होते हैं, अगर आपने टॉर्च के अंदर देखा होगा तो, एंड इट्स इनसाइड व्यू. तो अब नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन. जब उसने वर्किंग स्टॉप कर दी थी उसके बाद की बात है कि हम उसको नए के साथ रिप्लेस कर देते. हम रिमोट चेंज थोड़ी करते हैं जब रिमोट वर्किंग छोड़ देता है. ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसके सेल्स को चेंज करते हैं. राइट, तो नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, अ टॉर्च बल्ब हैज एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन अ मेटेलिक बेस. आपने मेटेलिक बेस देखा होगा अभी जो फिगर हमने देखी थी. व्हाट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, और जो बल्ब है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, ये हम आगे भी डिटेल में देखेंगे, स्टडीज की फिगर भी देखेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी नंबर वन को. टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब. यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर. वट डू यू नोटिस, डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब. नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग. तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे कि जो फिलामेंट है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, फिलामेंट. तो ये जो फिलामेंट दिख रहा है ना, ये ग्लो करता है. ठीक है, ये हीट अप होता है, उसके बाद क्या करता है, जब हीट होगा तो क्या देगा, ये एक वाइट हॉट लाइट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड फिलामेंट ऑफ द बल्ब. ठीक है, तो जो वायर होती है जिससे हमें लाइट मिलती है, जो ग्लो करता है, उसको बोलते हैं फिलामेंट. द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट एज शोन इन द फिगर. ठीक है, वन ऑफ दीज थिक वायर्स आर कनेक्टेड टू द मेटल केस एंड द बेस ऑफ द एट द बेस ऑफ द बल्ब. द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस. तो ये क्या है, ये एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, जो इसको सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, एज वेल एज इन्हीं के थ्रू क्या करता है, करंट ट्रेवल करता है. अब आपने नोटिस किया होगा कि हमेशा दो टर्मिनल्स ही क्यों है, एक ही से काम क्यों नहीं चल गया. राइट, बट पॉजिटिव टर्मिनल से जो है करंट दिया जाता है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो करंट को रिसीव करता है, इसीलिए दो टर्मिनल्स होते हैं. ठीक है, अब एक नेगेटिव टर्मिनल के बारे में बात की इसने, अब एक पॉजिटिव टर्मिनल के बारे में बात की. ठीक है,
द बेस ऑफ द बल्ब, जो बेस है, एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब. दीज टू टर्मिनल्स आर फिक्स्ड विद वी दैट दे डू नॉट टच ईच अदर. और ये ऐसे फिक्स किए जाते हैं ताकि एक दूसरे को टच ना करें, अदरवाइज तो क्या होगा, अगर टच कर जाएंगे तो बल्ब फ्यूज. द इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन. और जो हम इलेक्ट्रिक बल्ब्स घर पर जो आप बल्ब यूज़ करते थे पहले, अब इतने ज़्यादा यूज़ नहीं होते, अब तो LED ये ज़्यादा यूज़ होती हैं. दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड बल्ब हैव टू टर्मिनल्स ईच. दोनों के पास ही दो टर्मिनल्स होते हैं. वाई डू दीज दे हैव दीज टू टर्मिनल्स, अब पता चल गया क्यों होते हैं दो टर्मिनल्स, ये हमने स्टडी कर लिया. अब नेक्स्ट है, अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. अब बल्ब को कनेक्ट करना है इलेक्ट्रिक सेल से, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे. उससे पहले हम देख लेते हैं कि बल्ब कैसे ग्लो करता है, राइट. जो हमने अभी स्टडी किया उसी के बारे में. तो ये फिलामेंट आपको दिख रहा होगा जो ग्लो कर रहा है. अ मेटल वायर इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब विच ग्लोस वाइट हॉट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू इट इज कॉल्ड फिलामेंट. ठीक है, अब इसको आप देख सकते हैं कितना ग्लो कर रहा है ये, और किसकी सपोर्ट से खड़ा है ये, तो टर्मिनल्स की सपोर्ट से खड़ा हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं. ठीक है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है. जब अब ये मेटल केस आपको दिख रहा होगा और एक बेस दिख रहा होगा. ठीक है, जो बेस से कनेक्टेड होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, और जो ये मेटल केस आपको ये वाला दिख रहा है ये होता है नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, आई होप दिस इज सो मच क्लियर. एक बात, उस चीज़ का बना होता है ये फिलामेंट, बना होता है टंगस्टन का, राइट. टंगस्टन एक हार्ड ग्रीन मेटेलिक एलिमेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट का है. ठीक है, जो इलेक्ट्रिक लाइट फिलामेंट्स को बनाने के लिए ही यूज़ किया जाता है. ठीक है, अब इस बल्ब के अंदर क्या होता है, इस बल्ब के अंदर इनर्ट गैसेस फिल्ड होती हैं. जैसे कि आपको पता है बल्ब है, इसके अंदर एक ये किसके अंदर है, ये जो फिलामेंट है वो ग्लास केस के अंदर है. ठीक है, तो इसके अंदर है जो इनर्ट गैसेस होती हैं, लाइक यू कैन सी आर्गन, नियोन. क्यों? क्योंकि ये है ना जो केमिकली इनएक्टिव गैसेस होती हैं. ठीक है, अगर हम इसको ऐसे ही ओपन रख देंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्ट करके खुद को ही बर्न कर लेगा, राइट. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. अब एनसीईआरटी का जो एक एक वर्ड होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अपने आप में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रखता है. और जब एनसीईआरटी ने ऐसे पैराग्राफ बना, नेवर जॉइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच एंड आर डिवाइस. मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, इन दोनों को कभी भी एक साथ इकट्ठा ज्वाइन नहीं करना है. मतलब ऐसे ज्वाइन नहीं करना है बिल्कुल. इनके बीच में क्या होना चाहिए, या तो कोई स्विच होना चाहिए या कोई डिवाइस लाइक अ बल्ब. इफ़ यू डू सो, अगर आप इनको दोनों को इकट्ठा ही, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों को इकट्ठा ही ज्वाइन कर देते हैं, द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट्स यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग. तो केमिकल है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएंगे जब आप ऐसा करेंगे. तो सेल्स क्या है, सेल का काम क्या होता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना. जब केमिकल्स ही नहीं होंगे तो कैसे ये वर्क करेगा. ठीक है, तो अब पढ़ते हैं नेक्स्ट. अ बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल. अब एक इलेक्ट्रिक सेल है, उससे हमें क्या कनेक्ट करना है, बल्ब. ठीक है, तो बल्ब कैसे कनेक्ट होगा. टेक फोर लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर. टेक फोर लेंथ्स मतलब चार लेंथ्स लेनी है हमें इलेक्ट्रिक वायर की, विथ डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग. अब आपको पता है जो वायर्स होती है ना, हम कंडक्टर्स इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे आगे. ठीक है, अब कंडक्टर्स के थ्रू तो करंट पास कर जाता है. ठीक है, अब जैसे आप इसको वायर को पकड़ेंगे तो आपके थ्रू पास कर जाएगा करंट. ठीक है, आपको करंट लगेगा. तो इसलिए ये किससे कवर होती हैं, ये प्लास्टिक या रबर कवरिंग से क्या होती हैं, कवर होती हैं. ठीक है, जिससे है, और ये क्या होते हैं, जो प्लास्टिक या रबर कवरिंग होगी ये होती है इंसुलेटर. इनके थ्रू करंट पास नहीं करता तो हमें करंट नहीं लगेगा. ठीक है, रिमूव अ लिटिल ऑफ प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ. बट अब हमें जब सर्किट कंप्लीट करना होता है, या ठीक है इलेक्ट्रिसिटी पास करानी होती है, तो हमें कंडक्टर की नीड पड़ती है. इसीलिए जहाँ से हम इसको कनेक्ट करेंगे ना, वहाँ से ये प्लास्टिक कवरिंग थोड़ी सी रिमूव कर देंगे. ठीक है,
दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ ईच लेंथ, जिससे जो मेटल वायर्स, अब हमने कंडक्टर ऑब्वियसली मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर, इनके थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाती है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर को हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है, अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए अगर आपको नहीं पता इनके बारे में, ठीक है। फिक्स द एक्सपोज पार्ट्स ऑफ द टू वायर्स टू द सेल, अब जो एक्सपोज पार्ट्स हैं इस वायर को किससे कनेक्ट करना है आपको सेल से, आगे हम इसको देखेंगे, एंड अदर टू ऑफ द बल्ब एज शोन इन द फिगर। तो हे यू कैन सी इलेक्ट्रिक सेल विद टू वायर्स अटैच टू इट, ये आप देखो आपको दो वायर्स दिख रही होंगी, ये क्या है पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, ऐसे अटैच करनी, ऐसे आप सेल से तो घर पे भी कर सकते हैं, सेम बल्ब के साथ करना है, ठीक है। ये जो मेटलिक बेस दिखा था वो हमने क्या था, जो एक ये जो था मेटल केस, ये था नेगेटिव टर्मिनल एंड ये जो बेस है ये है पॉजिटिव टर्मिनल। यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रिशियंस के द्वारा जो टेप यूज़ की जाती है आप भी उसका यूज़ कर सकते हैं। यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स ऑफ द सेल, नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन द सिक्स डिफरेंट वेज एज शोन इन द फिगर। अब कैसे कैसे हम इनको अटैच कर सकते हैं, उतने ही टाइप्स में हम इनको अटैच करेंगे, बट हमें ऑब्जर्व करनी है कि जो बल्ब ग्लो कब करता है, ठीक है। फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नोट, क्या बल्ब ग्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है ये हमें देखना है। तो यहाँ पर आप डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स देख सकते हैं, कैसे जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो कैसे नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है और कैसे नेगेटिव टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, और बल्ब ग्लो कर रहा है सिर्फ दो केसेस में, ए एंड एफ। तो इसमें हमने कैसे अटैच कर रखा है तब ये ग्लो कर रहा है, यही बात हमें अभी देखनी है। राइट, ये सुनो फॉर ईच अरेंजमेंट, ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज, कंपेयर दीज विद दोज इन विच बल्ब डज नॉट ग्लो। तो कैसे ये ग्लो करने वाले बल्ब जो ग्लो नहीं कर रहे उन बल्ब से डिफरेंट है, ये आपको देखना है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब, नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल, रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर द अदर अरेंजमेंट्स। Did the bulb glows for the arrangements in which you could not move the pencil from one terminal to other? If you know, write down in the comment section. इसका आंसर आपको मिलेगा कल, इससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मिलते हैं कल। उसके साथ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को, डिवाइसिस को, एंड कैसे ये इंटीग्रल पार्ट बन गया फ्रॉम एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम। ओके, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में।